करना चाहता हूं कि ये पुष्कर सिंह ध्यामी ये भी कोई साधारण आदमी नहीं है, जिनके बुलावे में भारत के लौह पुरुष यहां आ गए हों, गृह मंत्री आ गए हों, जिनका एक एक क्षण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिन्होंने राष्ट्र के श्री चरणों में अपने को समर्पित किया है, उनको यहां बुलाने का श्रेय जाता है तो मेरे छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी को जाता है। ये भी कोई कम नहीं, ये सितारा है हमारे उत्तराखंड का, भविष्य है, ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। इनमें वो विनम्रता, वो शालीनता, विधानसभा के अंदर जिस समय ये यहाँ क्षेत्र की मांगों के लिए लड़ते हैं, तो इनका जो आप भोला भाला मासूम सा चेहरा देखते होंगे, देखते ही बनता है किस तरह रौद्र रूप ये विधानसभा में अपने क्षेत्र के लिए दिखाते हैं। मित्रों, ये माँ पूर्णागिरी की भूमि है और आप जानते हैं शहीदों की भूमि है, और मैं यहाँ के शहीदों को, यहाँ के सैनिकों को ये बताना चाहता हूं कि जब यहां पर इस सरकार ने गलत आदेश दे दिया था, मैं अपनी वाणी को विराम करने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा कि जब गलत आदेश दे दिया था, पुष्कर सिंह धामी ही थे जिन्होंने याद दिलाया मुझे कि भाई साहब ये तो सैनिकों का और हमारे यहाँ के शहीदों का अपमान हो रहा है, और हम सारे विधायकों ने इनकी बात को बल दिया, सरकार को उसी समय विधानसभा उठानी पड़ी और वो शासनादेश जो निकाला था उसे रद्द करना पड़ा और अभी तक सरकार नहीं बना पाई है, इसलिए मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ।